सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है। उन सबसे अपने जो लोग हैं समर्थक हैं उनसे अपील करने आया हूँ। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए, और चूंकि सरकार ने भारत रत्न किया है, ये क्षेत्र हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा, विशेष सम्मान और प्यार और लगाव लोगों के मन में है। मैं कई चुनाव में लड़ा हूँ, कई चुनाव देख लिए, चुनाव में पता लगता है कि सारे हमसे नाराज, फिर मनाने पड़ते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया होती है, तो इतना कोई नाराज नहीं कि वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे। सबको मालूम है कि क्या माहौल देश में बन रहा है, और जो देश में माहौल है शामली उसे पीछे नहीं। आज मैं यहाँ योगी जी के साथ भागवत में मंच साझा किया, आगे भी कार्यक्रम होगा, साथ रहेंगे हम लोग। 12 में भी कार्यक्रम है, योगी जी और मैं दोनों हस्तिनापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब मुझे समझ लेता है अशीक जी, उनकी अखिलेश जी की बात में मजाक में लूँ या सीरियस लूँ? देखिए, जहाँ सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं, हमारी आदत का हिस्सा है। अगर सम्मान नहीं मिल रहा होगा, और किसको सम्मान नहीं मिल रहा है, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने तो दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखनी चाहिए थी उसे, जब भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। सब किसी न किसी के औलाद ही होते हैं, उनका भी सम्मान है और दूसरों का भी सम्मान है। जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं पाए। और एक हफ्ता बचा है कैंपेन, पहले चरण के चुनाव कब खत्म हो जाएंगे प्रचार? 17 तारीख, अब 7 दिन तो बचे हैं। अभी तक कोई मीटिंग करी हो तो बताओ, इंडिया कहाँ है? कागज में ही तो है, दिल्ली तक तो सीमित है। सोशल मीडिया के कुछ साथी बंधु हैं, वही तो चला रहे हैं। जमीन पर आज अभी तक उनको हिम्मत नहीं मिली क्या मीटिंग करते हैं? अखिलेश जी आके प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है? नेता को तो भीड़ चाहिए होती है, ये तो हम लोगों की खुराक होती है। और जहाँ इतना उनके पास का यदि चुनाव होता तो अब तक वहाँ लोगों के बीच नहीं आए।